finishes off in style. इस साल के IPL में भी हमें कई नए टैलेंट्स देखने को मिले हैं। उसी में से एक टैलेंट ऐसा है जिसके बारे में हर कोई बात करना चाहता है और उसका नाम है नेहल वढ़ेरा। नेहल वढ़ेरा अभी मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं और मिडिल ऑर्डर में वह टीम का भरोसा बने हुए हैं। पंजाब के लुधियाना से आने वाले नेहल ने ऐसा क्या किया है कि उनके नाम इतनी कम उम्र में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है? साथ ही उनके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जो उसे पंजाब का दूसरा युवराज सिंह कहा जा रहा है? लुधियाना जैसे छोटे शहर से आने वाले नेहल वढ़ेरा का मुंबई इंडियंस तक की जर्नी कैसी रही है, आइए आपको दिखाते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। नेहल वढ़ेरा का जन्म 4 सितंबर साल 2000 को लुधियाना में हुआ था। सिर्फ 9 साल की उम्र से ही वह क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने लगे और साथ ही फिटनेस पर कैसे काम करना है इसकी भी ट्रेनिंग लेने लगे। उसे फैमिली का सपोर्ट मिला और वह लुधियाना में ही कोच चरणजीत भंगू से क्रिकेट की बारीकियां सीखने लगे। यहाँ पर जब वह बाएँ हाथ से बैटिंग करते तो लगता कि एक नया युवराज सिंह आ गया है। यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद उनके खेल में निखार आने लगा और अब वह एज लेवल का क्रिकेट खेलने लगे। एज लेवल का क्रिकेट खेलने के लिए उसकी तैयारी भी अलग लेवल की होनी थी और इसके लिए अब वह लुधियाना के ही कोच हरजिंदर सिंह के पास कोचिंग लेने लगे। जब नेहल वढ़ेरा लुधियाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में कोच हरजिंदर सिंह के पास क्रिकेट सीख रहे थे तभी उसे वहां पर जूनियर युवराज सिंह के नाम से बुलाया जाने लगा। नेहल वढ़ेरा भी बाएं हाथ से मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं और यही स्टाइल युवराज सिंह का भी रहा है। ऊपर से नेहल का शॉट सिलेक्शन कुछ वैसा ही था जिससे कि लोगों को उसकी तुलना युवराज सिंह के बैटिंग स्टाइल से करनी ही पड़ी। अपने होम स्टेट पंजाब में इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलते हुए उनका परफॉर्मेंस लगातार बेहतर हो रहा था और इसी वजह से उनका सिलेक्शन पंजाब के अंडर 16 टीम में हो गया। यहां पर वो पंजाब के लिए विजय मर्चेंट ट्रॉफी और कूच बिहार ट्रॉफी में खेले और उसी परफॉर्मेंस के दम पर उनका सिलेक्शन पंजाब के अंडर 19 टीम में हो गया। साल 2017 में पंजाब के अंडर 19 टीम से खेलते हुए नेहल वढ़ेरा ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी और कूच बिहार ट्रॉफी में कुल 529 रन बना डाले। उनके इसी परफॉर्मेंस के दम पर इंडिया अंडर 19 टीम से उनका बुलावा आ गया और अब वह साल 2018 में होने वाले अंडर 19 एशिया कप के मेंबर बन चुके थे। इसके बाद आता है साल 2022। इस साल पंजाब में अंडर 23 का डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट खेला जा रहा था। इसी दौरान हुए एक मैच में वह आतिशी बल्लेबाजी करते हुए एक ही पारी में 578 रन बना डाले। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के लेजेंड बैट्समैन ब्रायन लारा के नाम था। नेहल वढ़ेरा ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और साथ ही वह सबसे तेज 200, 300, 400 और 500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उनके इस कीर्तिमान को जूनियर चैंबर इंटरनेशनल ने भी रिकॉग्नाइज किया और वहां भी अब उनका नाम दर्ज हो चुका था। अब बारी थी नेशनल लेवल पर नाम कमाने की और इसके लिए जरूरी था IPL का कॉन्ट्रैक्ट। साल 2022 के IPL मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की टीम ने उनके ऊपर दांव खेला और 20 लाख के बेस प्राइस में उन्हें अपने टीम में शामिल कर लिया। लेकिन साल 2022 के सीजन में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका। इतने सारे नाम और कीर्तिमान के बाद अब पंजाब की टीम उसे रणजी से दूर नहीं रख सकती थी, इसीलिए जनवरी 2023 में उनका सिलेक्शन रणजी टीम में हुआ और फिर गुजरात के खिलाफ 3 जनवरी 2023 को अपने डेब्यू मैच में ही वह शानदार 123 रनों की पारी खेली जिसकी वजह से पंजाब ने गुजरात के ऊपर 380 रनों से जीत दर्ज किया। इसी सीरीज में 18 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए वह रणजी में अपना पहला दोहरा शतक भी पूरा किए और शानदार 214 रनों की पारी खेले। कुल 7 इनिंग में वह पंजाब के लिए 376 रन बनाकर सीजन को खत्म किया।
नेहल वढ़ेरा के इस परफॉर्मेंस को मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट बहुत करीब से देख रही थी और इसका नतीजा यह हुआ कि नेहल को वह पहले मैच से ही मौका देना शुरू कर दिया। नेहल वढ़ेरा ने अपना पहला आईपीएल मैच 2 अप्रैल 2023 को आरसीबी के खिलाफ खेला था। इस मैच में छठे नंबर पर खेलते हुए वढ़ेरा ने 13 गेंदों में 21 रन बना डाले, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे। वढ़ेरा का यह आईपीएल में इंट्रोडक्शन था और इसके बाद मुंबई इंडियंस को उसे अपने प्लेइंग 11 से बाहर निकालने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अब तक 10 आईपीएल मैचों में वह 151 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 198 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल है। आपको बताते चलें कि ये रन मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए बने हैं। इसमें 64 रनों की वह एक शानदार पारी भी शामिल है जो उसने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेला था। नेहल वढ़ेरा का मुंबई इंडियंस में अब वह रुतबा हो चुका है कि उसे कैमरॉन ग्रीन से भी ऊपर बल्लेबाजी करने को भेजा जा रहा है और नेहल वढ़ेरा अपने परफॉर्मेंस से उसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं। आईपीएल 2023 में मुंबई का प्लेऑफ में पहुंचना ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है और अगर मुंबई फाइनल तक पहुंचती है तो इसमें नेहल वढ़ेरा का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। हमें इस बात में जरा सी भी आश्चर्य नहीं होगी अगर आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर वह इंडिया के लिए खेलते हुए दिखे। आवश्यकता है तो बस कंसिस्टेंसी की, जो नेहल वढ़ेरा अभी तक दिखाते आए हैं। बेजोर क्रिकेट की पूरी टीम उनको आगे की जर्नी के लिए शुभकामनाएं देता है। आप नेहल वढ़ेरा को कैसे बल्लेबाज के तौर पर देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही इस क्रिकेट के दुनिया से जुड़े ऐसे ही वीडियोज को लगातार देखते रहने के लिए बेजोर क्रिकेट के इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।